अब हम करेंगे थ्री बेस्ट पोजीशंस जो आप कर सकते हो अगर आपको ब्रीदिंग में और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप खड़े हो तो आप किस पोजीशन में जा सकते हो जिससे आप इफेक्टिवली बहुत ही असरदार तरीके से सांस ले सकते हो, और आप बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप लेटे हो तो क्या करना चाहिए। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर आप खड़े हो तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेके आप अपने पूरे बैक को उस दीवार पे टेक लो, आप अपने सिर को भी टेक सकते हो, एंड आप वहां खड़े होके आराम से थ्री के काउंट पे सांस अंदर लोगे थ्रू योर नोज और चार के काउंट पे सांस बाहर निकालोगे। आपका बैक जब सपोर्टेड रहेगा दीवार पे तो वो आपकी ब्रीदिंग मसल्स को, जो सांस लेने की मसल्स है, उनको हेल्प करेगा टू एक्सपैंड योर लंग्स, एंड इससे सांस लेने में आसानी होगी। दूसरी पोजीशन जो आप कर सकते हो वो है आप किसी भी कुर्सी को पकड़ के आप उसमें हाथ सामने रख के टिक सकते हो सामने। जैसे हम थक जाते हैं और जैसे हम कुछ खेल के आते हैं तो यू जस्ट होल्ड समथिंग, आप कुछ पकड़ के एकदम खड़े हो जाते हो, देन आप हाफते हो या सांस लेते हो। अगर हम बहुत तेज दौड़ लगाते हैं तो अपने कंधे पे, सॉरी, अपने घुटने पे हाथ रख के नीचे झुक के सांस लेते हैं टू रिकवर। ये सेकेंड पोजिशन है जो आप खड़े खड़े कर सकते हो। देन बैठे बैठे आप इसी चीज को दो तीन पोजिशन से कर सकते हो। वो है अगर आप एक चेयर पे बैठे हो और आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आप सामने झुक के अपने हाथ अपने घुटनों पे रखकर अपना गर्दन थोड़ा नीचे करकर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करोगे। ये फर्स्ट पोजीशन है जो आप कर सकते हो। दूसरी पोजीशन है आप सामने टेबल पे अपना हाथ सामने रखकर, जैसे हम स्कूल में हेड डाउन करके सो जाते थे वैसे आप सामने बेंड करके सांस लोगे। सेम थिंग, थ्री काउंट्स में यू गोना ब्रीद इन एंड फोर काउंट्स में यू गोना ब्रीद आउट। जब आप सामने बेंड करते हो बैठे बैठे तो आप अपनी लंग्स का पीछे वाला हिस्सा, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट, को ऊपर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, सामने टिल्ट हो रहे हो। तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पोजिशन होती है बैठने में। बैठे बैठे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो दो चीजें आप करिए। अगर आप लेटे लेटे सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सीधा पलंग पे नहीं लेटना है, आपने दो या तीन पिलो अपने सिर के नीचे और अपने बैक के नीचे रख के अपना अपना कमर से ऊपर वाला जो शरीर है वो ऊपर करना है, उसको टिल्ट करना है 45 एंगल की डिग्री में। वो आपको सबसे इजी लगेगा सांस लेने के लिए, बट आप अपनी स्पाइन को कर्व नहीं करोगे, इसका आप ध्यान रखोगे। ये आप लेटे लेटे कर सकते हो। आप उल्टा, जो मैंने कल भी बताया था, पेट के बल लेट सकते हो, दैट इज प्रोनिंग। उससे सबसे अच्छा और असरदार तरीके से सांस आप ले सकते हो। या आप सुपरमैन पोजिशन जो हमने कल भी बात करी थी वो आप अडेप्ट कर सकते हो, दैट इज स्विमर्स पोजिशन और सुपरमैन पोजिशन लेटे लेटे कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका अगर आप लेटे हुए या उल्टा नहीं लेट पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आप मोटापा की वजह से या कोई जोड़ों के दर्द की वजह से, पिलोज यूज करो। पिलोज रखो अपनी छाती के सामने और अपनी कमर के सामने, पिलोज रख के अपने आप को थोड़ा इंक्लाइंड करो। इंक्लाइंड मतलब थोड़ा टेढ़ा करो कि आपका ऊपर वाला जो शरीर है वो थोड़ा ऊपर रहे और आपके पैर थोड़े नीचे रहे, ताकि जो आपकी लंग्स है वो थोड़ा ऊपर रहे, एंड देन उसके वजह से जो सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है अपने आप कम होने लग जाएगी। सो दीज आर द थ्री बेस्ट पोजिशंस इन थ्री बेस्ट पोस्चर्स।